गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह देख लीजिए हमारे यहाँ कोहरा कितना ज़्यादा है और बहुत ही दूर दूर तक कोहरा ही कोहरा दिख रहा है। और यहाँ पर क्या है ना कि हमारे घर के पीछे ना खेत है, तो यहाँ पर ना कुछ सब्जी वगैरह लगाए हैं। उतना तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लग रहा है कि ये गोभी का ही है। तो यहाँ पर सुबह सुबह सब कोई काम करने के लिए आ गए हैं। और आज ऐसा है ना कि धूप भी ना लेट से ही निकलने वाला है, क्योंकि हुआ ही इतना ज़्यादा कोहरा है। धूप तो रोज़ निकल ही जाता है, लेकिन सुबह सुबह का ये कोहरा वाला ये जो सीन होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं छत में आ गई थी और इस साइड में भी ना पूरा कोहरा ही कोहरा है। रास्ता वगैरह ना यहाँ से दिखता है, लेकिन ना वो भी नहीं दिख रहा है। दूर दूर का घर ये सब तो दिख भी नहीं रहा है। तो ठंड के मौसम में सुबह सुबह ऐसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। अभी मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी और यहाँ देख लीजिए ये बंदर लोग का उत्पात मचा हुआ है। यहाँ पर सबके घर के ऊपर आके ना ये लोग सबको परेशान कर रहे हैं। लेकिन क्या करेंगे, ये लोग के पास भी तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये लोग तो खाने के लिए ही आते हैं ना। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये आराम फरमा रहा है और चारों तरफ देख रहा है कि कहाँ मैं जाऊँ, क्या करूँ। तो बस यही है। तो चलिए अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, देन इसके बाद मुझे बनाना है खाना। आज हमारे यहाँ बनने वाला है स्पेशल खाना और आज मैं बना रही हूँ खीर। साथ में इधर ना मैं चावल भी बैठा दी हूँ बनाने के लिए। और यहाँ पर ना मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। और ये बड़ा बड़ा आलू फ्राई करके उसको चिकन में डालने के बाद जो टेस्ट आता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो यहाँ पर ना प्याज वाली जो भाजी होती है ना, तो उसको भी बनाने वाली हूँ। और साथ में ही ना इधर मैं खीर बना रही हूँ, तो इसको ना कंटिन्यूसली चलाते रहना पड़ रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए कि जो प्याज का भाजी है ना, उसको मैं डाल दूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी, अलग से इसमें कोई भी मसाला ऐड तो नहीं होगा। हल्दी और नमक से ही बस इसको बना दूँगी। चलिए अभी मैं इसको थोड़ा सा ढक देती हूँ। और इस साइड में क्या है ना, आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसको निकाल लूँगी और जैसे सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ ना, तो उसी तरीके से ही मैं इसको तड़का लगा रही हूँ। जीरा, तेज़पत्ता, साथ में ही यहाँ पर कटा हुआ प्याज है, लहसुन है। मुझे ना ऐसे चिकन खाने में ना बहुत अच्छा लगता है। चिकन को मैं 1 घंटे पहले ही मैरिनेट करके रख दी हूँ। इसमें है प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक का पेस्ट, दही, सरसों का तेल, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर। इसी से ही ना मैं अच्छे से मैरिनेट करके रख दी थी। और अभी ना मैं इसको मिक्स कर दूंगी और आज का ना चिकन का कलर ही कुछ अलग ही दिख रहा होगा। मैरिनेट करके रखने से क्या होता है ना कि इसका टेस्ट ना और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने का कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर क्या है ना कि मैं तेज पत्ता ऐड कर दे रही हूँ खीर में, क्योंकि ये अच्छे से उबल चुका है। साथ में ही यहाँ पर इलायची थोड़ा सा मैं क्रश करके डाल दी हूँ। और इसे ना मैं कंटिन्यूसली चलाती ही रह रही हूँ, क्योंकि खीर अगर मैं नहीं चलाऊँगी ना, नीचे से लग जाएगा। और हाँ, आज एक गलती हो गया है, जब मैं खीर में चावल डाली ना, तो उसको ना मैं तोड़ कर नहीं डाली थी। लेकिन क्या करूँ, लास्ट में ना मैं तोड़ दूँगी। और यहाँ पर मैं काजू कट करके रखी थी, उसी को ही ऐड कर दूँगी। खीर खाना किसको किसको पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, वैसे खीर और चिकन इसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, मन कर रहा था तो बना ही ली। और यहाँ पर ना मैं चिकन में आलू को ऐड करती हूँ और साथ में ही ना प्याज का जो कली मैं फ्राई कर रही थी ना, उसका जो भाजी बना रही थी, तो वो भी बन ही चुका है। आप
आप लोगों से बात करते करते देख लीजिए यहाँ पर ना खीर भी बन चुका है। इसमें मैं ना मीठा थोड़ा कम ही डाली हूँ। और हाँ, खीर क्या है ना, मुझे बासी खाने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब आज बनाई हूँ, कल खाऊंगी, बहुत ही अच्छा लगता है। उसका टेस्ट ना और कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि चिकन में से ना ऑयल भी सेपरेट हो ही चुका है। उसका मतलब है कि चिकन ना अच्छे से कुक हो चुका है। और मैं चेक भी कर ले रही हूँ क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन कौशा, जो कि मेरा फेवरेट है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। अभी ना मैं इसको धनिया पत्ती से गार्निश कर लूँगी और बस हमारा ये चिकन कौशा बनकर रेडी हो चुका है। जल्दी जल्दी आप लोग भी आ जाइए। ये रहा चावल, इस साइड में है ये मेरा खीर। एक कटोरी निकाल के रखी थी ठंडा होने के लिए क्योंकि गरम गरम अच्छा नहीं लगता है। ये रहा मेरा फेवरेट वाला बूंदी रायता, और ये ना थोड़ा सा इसमें जीरा का भूंज के पाउडर डाली हूँ, और ये रहा प्याज कली, और ये रहा हस्बैंड जी का चिकन, और ये रहा चावल। और आज का चिकन क्या है ना कि बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाई हूँ और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगने वाला है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी आप लोग उधर चट 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 आवाज़ सुनाई दे ही रहा होगा, और क्या है ना, मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा कि पूरा स्वेलिंग हो चुका है क्योंकि मैं दोपहर को सोई थी और मुझे ना कौन उठाया बताऊँ, चुन्नू उठाया है। उसको भूख लगा था तो मेरे को आके उठाया, खाना दो, मतलब नाचने लगते हैं। मैं सोती हूँ ना तो मेरे शरीर के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको सोने नहीं देते हैं। फिर वो लोग को खाना दी, तब तक मैं हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया कि क्या खाओगी शाम को। आज इतना ठंड है ना कि मतलब क्या ही बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मैं दोपहर से ना कुछ भी काम नहीं की है, सिर्फ कंबल के अंदर घुसी ही हुई थी और कुछ भी नहीं। तो हस्बैंड जी इस साइड में बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। और पता है क्या है, क्या नहीं, उनका भी बात सुन लीजिए कि वो क्या बोल रहे हैं। कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आया हूँ ड्यूटी से, अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ। मैगी बना रहा हूँ। तो यहाँ पर बना रहे हैं वो मैगी, यिप्पी है ये वाला। और इस साइड में ये वेजिटेबल पूरा फ्राई हो रहा है, इसमें प्याज लहसुन वगैरह ऐड नहीं किए हैं कुछ भी। और ये रहा, ये प्योर वेज बन रहा है। और किचन का हालत दिखाती हूँ थोड़ा, अभी थोड़ा बहुत ठीक की हूँ, यहाँ पर पूरा बिखरा हुआ था, अभी वो सब सब्जी वगैरह कट किए ना। और ये रहा, तो ये चाय बनाई थी मैं आज, मैं पहली बार लग रहा है दोपहर में चाय बना के पीऊँगी, मेरे को इतना ठंडा लग रहा था। और ये बर्तन वगैरह कुछ धो के रखी थी, कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी हस्बैंड जी क्यों बना रहे हैं, तो क्या है ना कि मैं अगर कभी भी बनाती हूँ ना, नूडल्स हो गया, चाउमीन हो गया, तो ये सब क्या है ना, मेरे से उतना अच्छा नहीं बनता है, मुझे ऐसा लगता है। तो हस्बैंड जी के हाथ का ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं बहाने का कैसे बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं, नहीं बनाने का बहाना, मतलब हाँ ना। तो पहले जब शुरू शुरू में जब हम लोग शादी हुआ था ना, तब भी ऐसे ही मैं सोते रह जाती थी और ये बनाते थे, ऐसे ही होता था। और मेरा आदत है कि मैं थोड़ा लेट से ही उठती हूँ, तो मैं ना कभी भी आज तक मतलब कुछ जरूरी काम, हाँ बनाइए बताइए, कैमरे के सामने सच बता रहा हूँ, बताइए, क्योंकि मैं मेरे पास कुछ काम नहीं था तो मैं ये घर का काम कराती थी नाश्ता बनाने का कैसे बोल नहीं सही बात कैसे बोल काम होता भी था इनका, क्या 10 बजे के बाद 11 बजे ऐसा होता था। तो क्या है ना कि सुबह शुरू शुरू था, और सुबह सुबह क्या है ना कि मैं नहीं उठ पाती थी, मेरा उस टाइम था ही ऐसे, क्योंकि तब मैं रात जग के पढ़ाई करती थी
और रात के क्या बोलते हैं 3 बजे 4 बजे ऐसे सोती थी। तो मेरा आदत था 8 बजे तक उठने का, फिर भी मैं उस आदत को ठीक की थी 7 बजे कम से कम उठ जाऊं। तो मेरा यही आदत था कि 3 बजे 4 बजे तक पढ़ूंगी, उसके बाद मैं सोती थी। इसी वजह से मेरा वही आदत रह गया था और शादी के बाद भी वही ही था। और जब मैं शादी की थी तब मैं पढ़ाई ही कर रही थी, ऐसा नहीं था कि मेरा कोई पढ़ाई नहीं था। तो इसी वजह से वही आदत था और इस वजह से बहुत कुछ मैं फेस भी की हूँ। मतलब सुबह उठती थी ना, तो मतलब शादी के बाद भी सुबह उठती थी तो लोगों का मुंह भार भार ही देखती थी, मतलब अलग ही नजरिया से मेरे को देखते थे, भले मेरे घर में हो चाहे मेरे ससुराल में हो, तो अलग ही मतलब नजरिए से देखते थे, मतलब कैसी लड़की है इतने लेट से उठ रही है। तो यही था और बस वही। और क्या करारा करारा करके इसको फ्राई किए हैं, अभी इसमें मसाला डालेंगे। और इसमें ना 2 पैकेट डाले हैं ना ये वाला मैगी मसाला, इसमें जो आता है दोनों में टेस्ट आता है। सिर्फ सब्जी में ही डाल देने से क्या है ना, इसमें ना टेस्ट बहुत लेट में आता है, बहुत चलाना पड़ता है और चलाते चलाते ये टूट जाता है, इसीलिए आधा इसमें डालते हैं आधा इसमें डालते हैं तो अच्छा लगता है। मेरे शेफ कैसे करके डालते हैं शेफ लोग बता दीजिए। नहीं ऐसा थोड़ी शेफ लोग ऐसा ऐसे वाले डालते हैं, वो टकला से डालते हैं अपना। तो चलिए अभी इसको बनने दीजिए, तब तक मैं कुछ कुछ काम कर लेती हूँ, ये किचन का ही ये सब बर्तन अच्छे से रख लेती हूँ। बहुत अच्छा बनाए हैं हस्बैंड जी, कहा के अच्छा लगा। और सूप वाला भी अच्छा लगता है, ठंड में भी अच्छा लगता है सूप वाला, लेकिन ये वाला मुझे ज़्यादा पसंद है। आज हस्बैंड जी मेरे बारे में एक सच्चाई बताए हैं कि मैं क्या करती हूँ सुबह, कितना बजे उठती थी, क्या है। तो मैं अपना खुद का सच्चाई बताती हूँ। शुरू शुरू में क्या था ना, मैं शादी से पहले मतलब मेरे को तो पता ही था कि इनको रोटी खाना बहुत पसंद है, तो मैं रोटी बनाना सीखी थी। और जब मैं इनके पास आई ना, रोटी बनाना भूल गई। रोटी मतलब इतना कड़क बना दी थी उसको, पता नहीं कैसे मेरे से फूलता ही नहीं था, नरम होता ही नहीं था, रोटी में टाइट बनाने लगी थी। और एक दिन क्या हुआ था ना कि इनको एग पोस खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, तो ये बोले कि मैं जीरा वाला खाऊँगा। तो मैं बोली जीरा वाला कैसे खाएंगे, तो ये बोले कि नहीं मैं बनाता हूँ। तो मैं बोली कि नहीं मैं बनाऊँगी आपके लिए, मेरे को बनाने का मन है, मैं अपने तरीके से बनाऊँगी, आप कुछ मत बोलिएगा। एग पोज जैसे नॉर्मली बनाते हैं नमक वमक डाल के एग पोज, बोले थे ये जीरा वाला। अब जीरा वाला को क्या है ना कि उसको तेल में ही जीरा को डालते हैं, फिर उसके बाद एग उसमें डालते हैं तवा में। तो मैं क्या की, ना जीरा को फ्राई की, ना जीरा को तेल में डाली, कुछ भी नहीं, मैं अंडा के ऊपर से ऐसे ही छिड़क दी। तो जी ये उसके बाद कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं, चुपचाप अभी हंसी आता, वो देखे चुन्नू कैसे बदमाशी कर रहा है, ऐसे ही बदमाशी करता है, अपने आप चढ़ जाएगा। मुन्नू देख लीजिए कितना आराम से सो रही है बिस्तर में, तो इसका ना यही हाल है आजकल ना, खेलते खेलते ये बिस्तर में ही कब सो जाती है ना, पता ही नहीं चलता है। बहुत ही मासूम सी, बहुत ही क्यूट सी लग रही है ना। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।